अब गलती क्या करते हो आप लोग, गलती ये करते हो कि जो भी नया कमर्शियल आता है उसे कंपेयर करा जाता है गुड़गांव में दो जगहों से, एक है एम्बियंस मॉल, दूसरा है डीएलएफ गलेरिया। तो एम्बियंस मॉल से कंपैरिजन इसलिए नहीं करना क्योंकि एम्बियंस मॉल का जो लीज़ अगर आप देखोगे कैसे हुआ हुआ है, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में एंकर स्टोर्स हैं, लग्जरी स्टोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर में एथनिक वेयर एंकर स्टोर्स का एड ऑन है, सेकेंड फ्लोर में ही हल्दीराम है जहाँ पे हाई स्ट्रीट जो आते हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर में भी कुछ भी मिल जाएगा, सेकंड फ्लोर में भी कुछ भी मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर में भी कुछ भी मिल जाएगा। तो वहाँ एक फ़र्क है, आपको कोई भी मॉल चले जाओ आपको कॉफ़ी शॉप्स के अलावा ग्राउंड फ्लोर में कुछ खाने पीने का कहीं नहीं मिलेगा। यू दीज गाइज मेक श्योर इन टर्म्स ऑफ देयर लीजिंग दैट अ पर्सन हैज़ टू गो टू द सेकेंड फ्लोर, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ऑल द फ्लोर विच आर देयर इन अ मॉल वर्क्स आउट वेल, बिकॉज दे डू लीजिंग अकॉर्डिंगली। कि उनका पूरा पर्पस होता है कि ग्राउंड फ्लोर हम ऐसे ब्रांड्स लाएंगे, फर्स्ट फ्लोर हम ऐसे ब्रांड्स लाएंगे, सेकेंड फ्लोर में हम ये करेंगे। तो जब वो सोचते हैं उस चक्कर में हम सेकेंड फ्लोर जाते हैं, वरना अगर हमें ग्राउंड फ्लोर में कुछ मिल गया होता तो शायद हम सेकेंड फ्लोर भी ना जाते, जैसे हाई स्ट्रीट में जो दिक्कत होती है। सेकेंडली गलेरिया सर, डीएलएफ वाले पहले तो लीज खान मार्केट से खुद ब्रांड्स को उठा के लाए, साथ में सुपर मार्ट वन भी है, क्रॉस पॉइंट भी है, वहाँ पे ब्रांड्स आते थे जाते थे आते थे जाते थे, 3 4 साल पहले स्टेबलाइज हुए हैं, जहाँ पे डेंसिटी उस एरिया की इतनी बढ़ गई है कि वो अब सस्टेन कर पा रहे हैं। वरना गलेरिया डिड वेल बिकॉज डीएलएफ दैट टाइम गॉट इन ब्रांड्स फ्रॉम खान मार्केट, और जैसे ब्रांड्स आ जाते हैं, अगर एक एक्स वाई जी ब्रांड आ जाता है तो उसे देख के दूसरा एक्स वाई जी अच्छा ब्रांड भी वहीं दुकान खोलता है, कि जहाँ नाइकी खुल गया उसके साथ में एडिडास खुलेगा, सामने वाले कमर्शियल में नहीं खुलेगा। तो डीएलएफ ने एक किक स्टार्ट किया, उसके अलावा जो प्लॉट बेचे थे 80% वहाँ प्लॉट्स हैं, 20% हाई राइज हैं। अगर सुशांत लोग वन, डीएलएफ फेज 4 2, ये सारा वन, आप देखोगे 42 सेक्टर 46 सेक्टर, दिस मेजोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट विच इज़ देयर इज प्लॉटेड डेवलपमेंट। और वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि किसी ने सोचा था कि 4 फ्लोर बनेंगे और एक प्लॉट में जहाँ एक परिवार को रहना था वहाँ 4 परिवार रहेंगे। जब 4 परिवार रहने लग गए तो वो तो अनप्रेसिडेंट ग्रोथ है ना, किसी ने सोचा ही नहीं था जी जब बिका था, किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। मैं तो ये बता सकता हूँ कि भैया 4 फ्लोर बनेंगे और ये ग्रोथ हो जाएगी, जो आज की डेट में सब फैक्टर इन हो जाता है कभी भी कुछ लॉन्च आता है। तो ये दो फ़र्क है, ये इनसे कंपैरिजन करने का कोई तुक नहीं है, ना एम्बियंस मॉल दूसरा बन सकता, ना गलेरिया मार्केट दूसरी बन सकती, कुछ तीसरी नई चीज़ ही बनेगी, ये दिमाग में रखो।